सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। आपके बारे में ही पैगाम आया, रात सो रहा था कि अकलेश रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई थी और अकलेश रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचा था। अकलेश रसूलुल्लाह ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और अकलेश रसूलुल्लाह ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि मत पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ। यानी ये जवाब ना सईदा फातिमा को आया, कभी ना मौला अली को आया, ना सईदा आयशा को आया, ना कभी अबू बकर उमर को आया, बाबा जानी के मुरीदों को आ गया कि मेरे लियास कादरी को मेरा सलाम कहना। जी अच्छा, बाबा लियास कादरी भी बड़े चलाक हैं, उसको पता है कि ये बंदा जो है वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा है, मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है और दूसरा शख्स उसके पास चल कर आता है और कहने लगा कि यार मुझे रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब आया है, सबसे पहले तो तमीम बांधेगा सुनने के लिए, बड़े अदब से बैठेगा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब आया, यानी कि ज़ियारत की है, और फिर आगे से वो गए कि वो तुम्हारा नाम लेके जो है वो तुम्हें सलाम दे रहे थे, तो अगला बंदा किस तरह से रिएक्ट करेगा? मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। इलियास कादरी इस चीज़ पर क्यों नहीं ज़्यादा खुश हुआ? उसको पता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरी और पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, कि जब वो इस तरह का झूठ बोलेगा तो मैं उठूंगा, करे लगाऊंगा, चूमूंगा, चाटूंगा। क्यों इस तरह के झूठ बोलते हो? क्यों इस तरह के झूठ बांधते हो नबी अलैहिस्सलाम पर? तुमने नबी अलैहिस्सलाम को क्या समझा हुआ है, क्या समझते हो? एक शख्स जब दीन का काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कादरी फिरका लॉन्च किया होगा, ऐसे शख्स को नबी अलैहिस्सलाम सलाम करेंगे? तुम्हारी अकलों को सलाम है, और शख्स और ऐसे शख्सों के अकलों को बहुत सलाम है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐड करके मैं तो क्या शहंशाह बगदाद है, तो मैं क्या देखता हूँ कि हुज़ूर गौस पाक ने जब मेरी आंखों में आंखें डाली ना, तो गौस पाक उठे बैठे भी रहे, तो गौस पाक बिच्चों गौस पाक निकले। कोई गल समझ आ रही है? नहीं भाई, यहाँ मैं बैठा हुआ भी हूँ तो वहां पर भी चला जाऊं, और यहाँ से निकलता हुआ भी नजर आऊं, और यहाँ भी नजर आऊं, तो सही ना मामला? फरमाते हैं गौस पाक उठे बैठे वीर है और उठो निकल भी आए, विचो अपने विचो आप निकले। जिन जिन लोगों को समझ नहीं आई ना, मैं आपको बताता हूँ, ये लंबे कद वाला बेवकूफ है ना, ये कहता फिर रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके मुरीद को कोई मसला लाहक हुआ, तो वो अपने अंदर से बैठ के उस मुरीद की तरफ चले गए हैं, उधर भी चले गए और एक कुर्सी पे भी अब्दुल कादिर जिलानी हूबहू बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं करामत, तौबा तौबा। और उधर वो एक चाचा बैठा हुआ है, वो देखो तो सही क्या मखलूक बनी हुई है, रूपक ताल का खुसरा बना हुआ है, देखा है वो चाचा साथ बैठा हुआ है? यकीनन ये भी कोई ना कोई वली होगा, और वलियों के तरीफ के लिए इस लंबे पागल को बुलाया होगा ताकि इसकी तवज्जो का मरकज बने, लोग ज्यादा से ज्यादा इसके तलवे चाटे, इस बूढ़े के जिसको घर में बीवी जूते मारते हैं उल्टे हाथ से, जिसकी औलाद घर में इज्जत नहीं करती, क्योंकि वो आके हमारे सर पे मजावर बन के बैठ गया। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें, चार कमाए 32 खाए, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये चार दाढ़ों की तादाद चार है, ये देखेंगे बड़े दांत, तो ये यहाँ ये चारों चबाते हैं, 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो चार कमाए 32 खाएं, ये आसानी हो जाती 32ों को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरह नस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक ना जाए, ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए, तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा करे। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़ें दादा साहेब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर। अब एक बंदे के दांत में इतना शदीद दर्द है कि ना वो बेचारा खा सकता सही से, ना वो पी सकता, ना वो बैठ सकता है, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो मुरीद है बाबा इलियास कादरी का, तो आपकी मौत उस दर्द के बाद वाकई है। इनके मुरीदों को कहना चाहिए ना कि मुर्शिद पाक ये मंजन टोटका ना पता है, एक को छोड़े एक ना जाए। माशाल्लाह आपने एक कहानियां सुना के अरबों अंदर किया, और आजकल आप जो है वो बोलिए कामिल बने फिर रहे हैं, तो आप नजर कर्म फरमाइए ताकि ये दाढ़ के और जितने ये दर्द दुर्द हो रहे हैं ना हमारे, वो सारे ठीक हो जाए। ये कहानियां ना करें अपने मुरीदों को। और जब आपकी रिसेंट तबीयत खराब हुई थी,
आपको जनाब वो बड़ी आंत का इशू चल रहा था, आपको कब्ज हुई हुई थी, कब्ज कुशाय मैदा, और फिर आप क्यों गए थे आगा खान, आप बड़े बड़े जो है वो डॉक्टरों को क्यों चेक कराते फिर रहे थे, वास्ते कुतुब आलम के एक को छोड़े एक ना जाए, या दादा साहब की घोड़ी इस तरह के टोटके खुद पर क्यों नहीं आजमाए, इन गरीब बगलोलों पर क्यों आजमाते हैं, इनकी जान का कुछ तो लिहाज कर लो, इनको ये बोला करो कि जब भी कोई तकलीफ हो तो सही टाइम पर जाके चेक करवा के, ये टोटके घर तो वो बेचारे करते रहे, जिस तरह भी रिसेंट इसका टोटका था जनाब कि अगर किसी के सर में दर्द हो तो वो इतना सारा नमक लेके नमक का डल्ला अपनी जबान के नीचे रख ले ताकि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। कोई भी इलाज नहीं, ज्यादा भी सजदा करना है, ज्यादा भी इबादत करनी है, ज्यादा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी ना मैं करया है अल्लाह एक अल्लाह दी करया और कह दे को मत्था नहीं वावण दी इजाजत। अभी हमारे बरेलवी हजरात चीख सीख के कहते हैं कि हम तो किसी की गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते, हम तो किसी को सजदा करते ही नहीं है, सर तो हमारा जब भी झुकता है अल्लाह के सामने झुकता है, जब भी दुआ मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं, तो अगर वो बरेलवी ऐसे हैं तो फिर ये बरेलवी कौन है? अगर एक्चुअली तौर पे बरेलवियों का जो तबका है वो इस तरह का नहीं है कि वो गैरुल्लाह से मदद मांगे गैरुल्लाह को सजदा करे, तो फिर ये जो हजरात हैं ये कौन लोग हैं? और अगर ये लोग किसी को देखूं देख इस तरह के हुए हैं तो इनकी जो लड़ी है वो कहाँ से कहाँ जाके मिलती है? वो तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा क्योंकि ये गले फाड़ फाड़ के खुद कहते हैं कि तब तक कोई बंदा वली नहीं बनता जब तक उसके गर्दन पर किसका पैर ना हो जाना, वो सिपाही अब्दुल कादिर जिलानी सबसे बड़ा मददगार सबसे ज्यादा मदद करने वाला। बात सही है। दरबार शरीफ बना लेना अपना रोजी रोटी चला लेनी है माशाल्लाह वेख रहे हो रोड चल रहा है ते अल्लाह पाक रोजी चला दी है बहुत मेहरबानी मेरे वीरो साडी खिदमत करो बहुत मेहरबानी। ये जो भाई साहब ने एक छोटा सा ट्यूटोरियल हमसे शेयर किया ना ये बिल्कुल इसी तरह से पुराने वक्तों में दरबारें बनती रही है, गरीब भूख से मर रहा है, किसी की गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते थे कोई तंदूर पे खड़ा हुआ है, कोई किसी अमीर के घर पे जो है वो फर्श साफ कर रहा है उनका घर साफ कर रहा है, उनके अमीर अमीर जो बच्चे हैं उनके लिए मनोरंजन करता फिर रहा है, सिर्फ ऐसे लालती लोगों की वजह से जो इस तरह से दरबारों पर जाके लाखों करोड़ों देते हैं। खुदा का वास्ता सुधर जाओ नहीं तो आने वाली नस्ल है तू तू करेंगे तुम्हारे मुंह पे बेशक वो तुम्हारी औलाद भी क्यों ना हो। नाम क्या बुजुर्ग का? गुलाम गौस। 6 साल की नवासी के साथ सफर कर रहे थे, अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया आपके काफिले पर। 6 साल की लड़की कान में सोने की बाली पहनी हुई, एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और कान की बाली को तेजी से खींचा, लौ फट गई और कान की बाली लेके भागा। देखा तो मेरी नवासी तड़प रही है, वो छोटी सी नवासी 5-6 साल की तड़प रही है, उसकी कान की लौ फटी हुई है, बाली गायब है, एक चोर दौड़ के आगे जा रहा है। गुलाम गौस ग्वालियर को अपनी नवासी का रोना न देखा गया, अल्लाह के वली थे अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, और किया तो कैसे किया, बहुत दूर तक होती है ये आसमान और जमीन के बीच में जो तारे हैं ना तारे, इन तारों में से एक तारे का नाम है मिर्रीख, जो राउंड लेता रहता गोला रहता है। उस वली ने कहा ओ मिर्रीख सुन नीचे आ, जितने डाकू यहां पर हैं सबके सर को उनके धड़ से अलग कर। वली की जबान थी, तारा नाश्ता हुआ आया, उसने सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिए, उनका धड़ ठंडा हो गया। जब सबकी लाशें पड़ी थी इनको सुकून कुछ मिला तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? झूठ बोल बोल के ना इस बंदे की अपनी शक्ल देखी है, चाइनीज बंदर लग रहा है भाई, इतने एक वो अगर क्रांति बाबे थे क्रांति थे वो पागल जिसकी तुम बात कर रहे हैं, मरीख सितारे को नीचे बुलाया और वो नाचता हुआ आया और नाचने के बाद आके सबकी गर्दन उसने काट दी। भाई इतना क्रांति बाबा था वो जो सोने की बाली लेने के लिए तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, दिल का हाल नहीं जान सकता आपने, वो जो नवासी थी उसको अज्जत जरूरी दिलवानी थी। वैसे तो हमारे अल्लाह के जो वली होते हैं वो दिल का हाल जानते हैं, कहानी बताने से पहले ना थोड़ा सा देख लिया करो आगे पीछे ये इसका सर पैर है या बकवास पे ली जा रहे हैं आवाम के लिए। भाई इतना क्रांति बाबा था उसके मन की बात जान लेता कि इतनी देर से जो मेरी नवासी के पीछे बैठा हुआ है ना तो इसका मसला सिर्फ यही है कि इसके घर में रोटी नहीं होगी बच्चे भूखे बैठे होंगे, वो वजूहात देख लेता कि इस वजह से ये चोरी करता है और आज भी करके जाएगा तो मैं उसकी वो मसलियत को हल कर दूँ, कोई डेला उठा के सोने का बना दूँ उससे एक बाली के लिए, और वो जो तुम्हारी वो नवासी की लो फट गई थी यहाँ से लो तो वो बीबी लोलो के बच्चे उस लोगों को ठीक वैसे नजरों से कर देते हैं, उस वक्त को बदल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पावर होती है ना एक अल्लाह के वलियों की, ये पावरें होती है वक्त को बदल देना, बारिश को बेमौसमी बरसा देना, सर्दियों में आम ले आना और वो गर्मियों के अंदर वो बाल्टे ले आना ताजे फ्रेश पत्ते भी उसके हरे खड़े होते हैं। बोल खुदा के लिए यार वो बात किया करो जो नेचर में फिट बैठे हुए, फिर चलो हम कह लेंगे हाँ यार ठीक है हो सकता है कर लिया हो, ये लांती पूरे ना किए पर आवाम के साथ बैठ के
खैर यार ये वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ काफी दिनों के बाद ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। आपको मालूम है कि मेरे साथ कुछ मामला चल रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह रहम फरमाए मेरे हाल पे और मेरी वालदा को सेहत दे और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज जो है वो दोबारा दिखाया करेंगे। और आज भी मैंने कोशिश की एक अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाने की, तो मुझे आपने कमेंट्स पर जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम याद रखिएगा, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।